हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की। आज की टॉपिक रहने वाली प्यारे बच्चों प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। और प्यारे बच्चों आज की लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ नहीं कहेंगे, केवल एक बात कहेंगे। यदि आज की क्लास आपको आ गई प्यारे बच्चों तो आपके हाई इंटर के एग्जाम में 3 नंबर पक्का हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। 3 ही नंबर का ही प्रश्न पूछता है प्यारे बच्चों। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नया आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। और जरा सा भी इस टॉपिक के साथ आप स्किप मत कीजिएगा, ये टॉपिक आपके एग्जाम में 3 नंबर का पूछने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम मक्खन के जैसा। जैसा 3 नंबर का है ये क्वेश्चन, लगेगा ही नहीं आप 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इतना जबरदस्त बताया जाएगा। तो भाई आज की टॉपिक है प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन के सूत्र। उससे पहले जानने का मतलब होता है कि आखिर प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है प्यारे बच्चों। ये सब सारी क्लासें प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म कोड, ये सब सारी क्लासें आपको यहां आई लिंक पे दिखाई पड़ रहा होगा प्यारे बच्चों, आप वहां से जाके ये जरूर देख सकते हैं। हाँ, परंतु हम थोड़ी बहुत चर्चा जरूर कर लेते हैं कि प्रिज्म क्या होता है प्यारे बच्चों। प्रिज्म क्या होता है ये आपको दिखाई पड़ रहा है यहां पर, ये प्रिज्म है। अब ये प्रिज्म होता कैसे ही देखो भैया, कांच के 2 पृष्ठ होते हैं, एक पृष्ठ ये हो गया और दूसरा पृष्ठ ये हो गया। कांच के दो पृष्ठों के द्वारा घिरा हुआ जो ये माध्यम है, ये अंदर का जो माध्यम है, यही माध्यम क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। कांच के 2 पृष्ठों से घिरा हुआ एक सामांगी पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। अब दोनों पृष्ठों के बीच बना कोण प्रिज्म कोण कहलाता है, जिसे हम ए से व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों, जो यहां पर दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हैं। फिर उसके बाद समझते हैं, अब इसी में आता है प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन। अब जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म के पहले पृष्ठ पर पड़ती है, अर्थात पी और इसका सॉरी ये आपका ए रहेगा, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये मान लेते हैं पी और ये मान लेते हैं क्यू। जब ये कोई प्रकाश किरण पी क्यू प्रिज्म के पहले पृष्ठ पर पड़ती है तो ये क्या होती है कि बाहर तो आपका विरल है, अंदर क्या है, सघन है, तो ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, क्योंकि आपको पता है विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर एक अभिलंब बना देते हैं और ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकते हुए, ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकते हुए दूसरे पृष्ठ पर पहुंच जाती है। अब दूसरे पृष्ठ पर पहुंचने के बाद ये क्या होती है, सघन से विरल में निकलने लगती है। अब आपको पता है प्यारे बच्चों कि सघन से विरल में जाओगे तो अभिलंब से दूर हट जाओगे, तो हम लोग यहां पर सबसे पहले एक अभिलंब की रचना करेंगे और ये प्रकाश किरण, ये आपकी अभिलंब हो गई, ये वाली लाइन यहां तक अभिलंब हुई, तो अब क्या होगा कि ये प्रकाश किरण यहां अभिलंब से दूर हट जाएंगी और इसका नाम हम दे दें आर और एस। तो प्यारे बच्चों यह पूरी घटना प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यही सेम टू सेम चित्र यहां पर बनाया गया प्यारे बच्चों, देखिए ये कोई प्रकाश किरण पी क्यू था, प्रिज्म के पहले पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है, माना कोई एक पी क्यू प्रकाश किरण है जो कि प्रिज्म के पहले पृष्ठ ए बी पर पड़ती है। अब ए बी पे पड़ने के पश्चात वो अभिलंब की ओर झुकते हुए प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ पर पहुंच जाती है। अब जब ये प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ पे पहुंचती है प्यारे बच्चों, तो प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ पे पहुंचने के बाद इस अभिलंब से, इस वाले अभिलंब से दूर हटती हुई बाहर की तरफ निकल जाती है, आरएस बाहर की तरफ निकलता हुआ किरण है, और ये पूरी घटना प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अगर पूरी डिटेल वाली क्लास चाहिए तो मैंने बताया कि आपको आई लिंक पे दिखाई पड़ रहा होगा, या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है इसका वीडियो, आप जाके वहां से जरूर देख सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए अब हम इनको मूव करते हैं इंपॉर्टेंट वाला जो ये क्वेश्चन है, प्रिज्म में अपवर्तन का सूत्र, वो हम ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों। कभी कभी ये प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है, कैसे कि अपवर्तन और प्रिज्म कोण ए और विचलन कोण डेल्टा एम में संबंध ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना, इस प्रश्न को आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रिज्म कोण ए, विचलन कोण डेल्टा एम और साथ में अपवर्तनांक एन में संबंध ज्ञात कीजिए।
तो आप यही यही समझ लीजिएगा, इस प्रश्न का जवाब यही होने वाला है। तो चलिए हम इनको थोड़ा सा मूव करते हैं, थोड़ा सा अब हम समझते हैं। आइए डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप लोगों ने नहीं समझा है। पी क्यू आपतित किरण है, आर ओ एस निर्गत किरण है, ठीक। अब यम ओ खींचा गया अभिलंब है, ठीक, और यन ओ भी खींचा गया अभिलंब है। अब हमने पढ़ा है अभिलंब और आपतित किरण के बीच, गाइस जब हमने पढ़ा है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। अब आपतन कोण आई हो गया, अब ध्यान से देखिए यहां पर, फिर उसके बाद अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण आर कहलाता है। अब प्यारे बच्चों वही चीज यहां पर भी हो रहा है। अब देखिए एक समय के लिए जो निर्गत किरण है, निर्गत किरण को आपतित किरण मान लिया जा रहा है, तो ये आई, अब ये अगर आपतित किरण हो गया तो इनके और अभिलंब के बीच बना कोण आई डैश हो जाएगा, ठीक। अब अगर ये आपतन कोण हो गया तो ये आपका अपवर्तन कोण हो जाएगा आर डैश, क्योंकि ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच हो गया प्यारे बच्चों। तो ये आई और आर, आई आपतन कोण है, आई आपकी आपतन कोण है, और आर आपका अपवर्तन कोण है, आई डैश भी आपका आपतन कोण है, आर डैश भी क्या है, अपवर्तन कोण है। अब ध्यान से समझिए, अभिलंब को पीछे की तरफ बढ़ाने पर, दोनों अभिलंब को पीछे की तरफ बढ़ाने पर वो ओप प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक, और निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाने पर और आपतित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये दोनों युप प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों युप प्रतिच्छेद करते हैं, और यहीं पर एक कोण बन जाता है जिसे हम कहते हैं विचलन कोण, यहीं पर एक कोण बन जाता है जिसे हम कहते हैं विचलन कोण। अब अगर प्रश्न पूछा कि विचलन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण को आगे की तरफ बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाने पर, दोनों किरणें जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वहां पर बना बहिष्कोण, ये बहिष्कोण होता है प्यारे बच्चों, आपने बेसिक चीजें पिछली वाली क्लासों में 8-9 में पढ़ा होगा बहिष्कोण। बहिष्कोण क्या होता है अभी हम प्रूफ करने समय प्रूफ करने लगेंगे तो बताएंगे। तो देखिए ये बहिष्कोण है, बहिष्कोण कब होता है, त्रिभुज के बाह्य भुजा पे बना कोण बहिष्कोण कहलाता है। अब देखिए ये डेल एक प्रकार का बहिष्कोण है जिसे हम लोग विचलन कोण कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, आपतित किरण को आगे की तरफ बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाने पर, दोनों जहां एक दूसरे को काटते हैं वहां पर बना बहिष्कोण विचलन कोण कहलाता है, जिसे हम डेल से व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों। आई होप कि आप इसका सारा रचना जरूर समझ पाए होंगे। आपको उत्पत्ति में लिखना रहता है, उत्पत्ति में कैसे लिखेंगे, माना कोई एक प्रिज्म एबीसी है, ठीक, उसके एबी पृष्ठ पर कोई पीक्यू प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं, ठीक, आपतित होने के पश्चात अभिलंब की ओर झुकते हुए प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ पर पहुंच जाती हैं, प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ से अपवर्तित होने के पश्चात अभिलंब से दूर हटते हुए निर्गत किरण आर एस प्राप्त हो जाता है, यह घटना अपवर्तन कहलाता है। अब यहां पर आपत आई और आई डैश आपतन कोण है, आर और आर डैश क्या है, अपवर्तन कोण है। आपतित किरण और निर्गत किरण को आगे और पीछे की तरफ बढ़ाने पर जहां ये काटते हैं वहां पर बना कोण विचलन कोण कहलाता है। इतना लिखने के बाद प्यारे बच्चों आप शुरुआत कीजिएगा डेरिवेशन की। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं डेरिवेशन की, उम्मीद है कि आप वो आराम से लिख सकते हैं उसकी उत्पत्ति, ठीक। अब शुरुआत हम लोग सबसे पहले लाइन की शुरुआत कहां से करेंगे, यही बहिष्कोण से ही शुरुआत करेंगे। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूंकि दिल एक प्रकार का बहिष्कोण है, ठीक, अगर हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज है क्यू यू आर, त्रिभुज क्यू यू आर में, त्रिभुज क्यू यू आर में डेल एक बहिष्कोण है। क्या है बच्चों, डेल एक बहिष्कोण है। अब इसकी खासियत क्या होती है कि बहिष्कोण जो होता है त्रिभुज की बाह्य भुजा, भुजा को बढ़ाइए और जो कोण बन जाए वो बहिष्कोण कहलाता है। तो ये देखिए ये कुछ इस प्रकार है प्यारे बच्चों, एक ऐसे है फिर ऐसे है फिर ऐसे है, इस भुजा को बढ़ा दिया, ये जो बना कोण होता है
ये बहिष्कोण कहलाता है। इसकी खास बातें क्या होती है कि ये बहिष्कोण अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है। इन दोनों कोणों के योग के क्या होगा? बराबर। इन दोनों कोणों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। यही नियम, यही फंडा हम यहां भी लगाएंगे। अब ये कोण इस कोण और इस कोण के बराबर होगा। अब ये दोनों कोण आपको तो पता नहीं है, ये दोनों कोण आपको पता नहीं, बिल्कुल पता चल जाएगा। पहले देखिए, टोटल अगर आपने, मैं आपको बताऊं कि अगर आपने इधर 45 पढ़ा है, इसमें दो भाग हो गए, तो आपको पता ये इधर पूरा 45 है, टोटल 45 होगा, टोटल इधर भी 45 होगा। शीर्षाभिमुख कोण, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाओं के आमने सामने बना कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। याद आ रहा है? अब ध्यान से देखो, अगर मैं कह रहा हूं भाई ये 20 डिग्री है, तो आप आराम से कह सकते हैं ये 25 डिग्री होगा। कैसे? 45 में से 20 घटा दिए, 25 आ गए। तो सेम फंडा यहां पर हम भी करेंगे। ये टोटल आई के बराबर है, आधा इधर आर हो गया है, तो बचाव क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आई माइनस आर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? अब अगला देखिए, वही सेम प्रोसेस, यहां इधर टोटल आई डैश है, इधर आर डैश बट गया है, तो हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश। समझ पाए? उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो अब इन सब की कोई जरूरत नहीं है, हम इन लोग को मूव करते हैं और आई डेरिवेशन पे चलते हैं। अब वहां डेल क्या है? बहिष्कोण है, तो क्या हो जाएगा? डेल इक्वल टू हो जाएगा, दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होते हैं, तो आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। ठीक, अब थोड़ा सा आर को एक तरफ कर लेते हैं, आई को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये आई, ये प्लस क्या आ गया आपका? आई डैश आ गया एक को, एक कोष्टक में, ये इधर आ गए। अब ये दोनों देखिए, दोनों में माइनस है, ये माइनस, दोनों में अगर हम माइनस कॉमन ले ले और लिख दे आर प्लस आर डैश, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। भाई इसमें भी माइनस था, इसमें भी माइनस, माइनस कॉमन लेके हमने लिख दिए, डेल इक्वल टू ये आ गया। समीकरण नंबर आप एक बना लो, इतनी बात क्लियर भी। अब हम चलेंगे चतुर्भुज पे। चतुर्भुज आपको दिखाई पड़ रहा, चतुर्भुज आपको दिखाई पड़ रहा, देखिए क्यू ए आर ओ, चतुर्भुज क्यू ए आर ओ में, क्यू ए आर ओ में, अब हमने पढ़ा है कि चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, तो आमने सामने के कोण ए और ओ है, तो ए और ओ का योग कितना होगा? 180 अंश। तो एंगल ए प्लस एंगल ओ बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। ठीक, समीकरण नंबर दो, इतना बात क्लियर हुआ। अब हम लोग पकड़ लेते हैं त्रिभुज। अब हम क्या पकड़ने वाले पैर बच्चों? त्रिभुज। अब वो त्रिभुज क्या है वो ध्यान से देखिए। त्रिभुज आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, आइए हम लोग वहां पर देखते हैं जरा सा। चलिए तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, त्रिभुज कौन है? क्यू ओ आर। त्रिभुज क्यू ओ आर में, त्रिभुज क्यू ओ आर में, अब हमने पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, आर प्लस आर डैश प्लस ओ, आर प्लस आर डैश प्लस ओ बराबर 180 अंश, समीकरण नंबर तीन। ठीक, अब आप देखिए जरा से पहले, समीकरण दो और तीन को अगर देख पा रहे होंगे, ये पक्ष बराबर है तो ये भी पक्ष आपस में बराबर होगा, तो लिख सकते हैं ये चीज, समीकरण दो व तीन से हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए प्लस एंगल ओ, ये दोनों पक्ष आपस में बराबर होंगे ना, तो एंगल आर प्लस एंगल आर डैश प्लस एंगल ओ, ये चीज कैंसिल हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू आ जाएगा एंगल आर प्लस एंगल आर डैश, समीकरण नंबर चार। कोई दिक्कत किसी को अभी तक? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, यदि आप देख पा रहे होंगे तो आर प्लस आर डैश के स्थान पे हम ए का उपयोग कर सकते हैं, तो हम क्या ये चीज यहां पर रख दे? बिल्कुल रखा जा सकता है बच्चों, बिल्कुल हम रख सकते हैं, तो चलिए रखते हैं। तो
समीकरण एक से, समीकरण एक से देख पा रहे हैं आप, समीकरण एक ये है। अब हम जहां ये आर प्लस आर डैश के स्थान पे एंगल ए रख रहे हैं, देखिए तो समीकरण एक से हो जाएगा डेल इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस क्या हो जाएगा एंगल ए। ठीक, समीकरण नंबर कौन हो गया, पांच हो गया। अब हम यहां से स्पेशल केस मानते हैं, यदि यदि जो ये है आफ्टर आई आई डैश, ये आई आई डैश आई के बराबर हो जाए और जो आर और आर डैश है वो किसके बराबर हो जाए, आर के बराबर हो जाए, तो क्या होगा ये चीज हम करते हैं। देखिए तो इस पर यदि कंडीशन यहां रख रहे हैं प्यारे बच्चों, यदि आपतन कोण आई अगला आई डैश बराबर क्या हो जाए आई, और आर बराबर आर डैश बराबर क्या हो जाए आर हो जाए, समझ रहे, यानी ये दोनों एंगल आई के बराबर हो जाए, ये भी दोनों एंगल आर के बराबर हो जाए, तब तब जो डेल होता है वो डेल्टा एम में बदल जाता है, मतलब न्यूनतम हो जाता है। जब आपके ये आपतन कोण आई आई डैश बराबर आई हो जाए, मतलब ये दोनों जो कोण हैं कहां गए, आई और आई डैश, वो एक एंगल छोटे का कह लिया जाए कि हम आई के इक्वल मान लें, तो तब जो डेल होता है वो डेल एम के बराबर हो जाता है बच्चों। अब आप यहां से देखिए, अब हम समीकरण पांच की मदद करते हैं, तो समीकरण पांच से क्या हो जाएगा आइए देखते हैं। अब हो जाएगा समीकरण पांच से, समीकरण पांच से क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, समीकरण पांच क्या कहता है, डेल डेल के स्थान पे क्या रखना है, डेल एम रखना है, चलिए कोई बात नहीं। अब आई आई डैश के स्थान पे आई आई रखना है, तो यहां पर आई प्लस क्या हो जाएगा आई माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं माइनस ए रख देते। अब आई आई जुड़ के क्या हो जाएगा, टू आई माइनस ए, माइनस ए इधर आएगा तो प्लस ए हो जाएगा, तो प्लस ए इक्वल टू टू आई। ठीक, अब हम दो को इधर कर दें तो आई इक्वल टू ए प्लस डेल एम बटे दो, आपने आई का मान निकाल लिया, अब केवल आर का मान निकालना, फिर स्नेल के नियम पर रख दीजिएगा। ठीक, आई का मान मिल गया। अब हम देखते हैं समीकरण चार, समीकरण चार से, तो समीकरण चार क्या कहता है देखिए जरा सा, समीकरण चार कह रहा है एंगल ए ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश, तो वहां पर आर प्लस आर ही रखेंगे, तो ये मिलकर हो जाएगा टू आर, ये आ जाएगा ए, इधर भेज दें तो ए बटे दो बराबर आर, यानी यहां पर आपको अपवर्तन कोण आर, यहां पर आपतन कोण आई का मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से अगर हम बात करें स्नेल के नियम से तो क्या होगा, आप जरा से समझिए, स्नेल का नियम कहता है एन इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, अब केवल वैल्यू रख दिया जाए तो देखिए साइन आई, तो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू ए प्लस डेल एम बटे दो है, तो यहां साइन ए प्लस डेल एम बटे क्या हो जाएगा दो, ठीक, बटे साइन आर, तो आर की वैल्यू ए बटे दो है, तो साइन ए बटे कितना है दो। ठीक, तो अब हम यहां से कह सकते हैं कि जो लास्ट वाला फार्मूला आया है वो आपका व्यंजक आया है एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बटे दो पूरे के बटे साइन ए बटे दो। तो ये रहा प्यारे बच्चों प्रिज्म में अपवर्तन का सूत्र, ठीक, ये रहा प्रिज्म में अपवर्तन का सूत्र, जहां ए प्रिज्म कोण है, डेल एम विचलन कोण है और एन अपवर्तनांक है। ठीक, यहां तक आपको डेरिवेशन करना रहता है प्यारे बच्चों, देखिए कितना सरल और आसान है, इतना करके आप 3 नंबर पा सकते हैं। अब यहां से कुछ स्पेशल केसेस स्टार्ट होते हैं, वो तो यहां स्थिति रखेंगे, यदि प्रिज्म काफी पतला हो, यदि प्रिज्म पतला हो तो
जो साइन थीटा होगा वो थीटा के बराबर हो जाएगा। मतलब आप समझिए, आप कहेंगे सर साइन थीटा तो कहीं आया ही नहीं है। भाई मैं एज एग्जाम्पल बता रहा हूं कि जैसे साइन थीटा रहेगा और थीटा के बराबर हो जाएगा। अब जो आया है अब देखेंगे ना हम लोग। तो चलिए यहां पर देखते हैं, तो एन इक्वल टू क्या मिलेगा, चलो साइन ए प्लस डेल एम बटे दो, मतलब ये पूरा थीटा मान ले, ये पूरे के पूरे चीज को हम क्या मान ले, थीटा मान ले। तो साइन थीटा बराबर केवल केवल मिल जाएगा आपको थीटा, मतलब जहां साइन है हट जाएगा, साइन थीटा कल थीटा को जा रहा, तो ये थीटा के स्थान पे क्या है, ए प्लस डेल एम बटे कितना है, दो है, चले पूरे के बटे। अब देखिए पूरे एक बटे दो, पूरे एक बटे क्या हो जाएगा, अब यहां से साइन हट जाएगा, केवल बचेगा आपका ए बटे दो, दो से दो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? अब आपके पास अगले स्टेप में बचा एन इक्वल टू ए प्लस डेल एम पूरे के बटे ए बचा है। ठीक, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए का गुणा इधर हो जाएगा, एम ए बराबर ए प्लस डेल एम मिल गया। ठीक, अब जरा सा इसको हम मूव कर देते हैं, इतना थोड़ा सा यहां टी बना देते हैं। ठीक, अब आप देखिए अगर हम ए का पक्षांतर इधर करें तो ए प्लस था उधर, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर डेल एम, यन दोनों में कॉमन, ए दोनों में क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, तो जब दोनों में ए कॉमन हो जाएगा तो एन माइनस वन इक्वल टू डेल एम। तो जब प्रिज्म पतला होगा तब के लिए फार्मूला आपका ये है प्यारे बच्चों, ये। ठीक, तो हमने स्थिति भी रख के आपको बता दी है। इस प्रकार आपका प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन का व्यंजक समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होगा, यदि डाउट होगा तो कमेंट सेशन में आप कमेंट कर सकते हैं। अब आप समझिए कि आपके जो 3 नंबर थे वो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता प्यारे बच्चों, जब आपने इसको मन लगा कि इस क्लास को अटेंड किया। ठीक, तो गाइस आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विच्छेपण। इसकी फुल डिटेल की क्लास प्यारे बच्चों हम लोगों ने पिछले वाली क्लास में पढ़ा है, आपको आई लिंक पे वो चीज दिखाई पड़ रही है, आप वहां से जाके फुल डिटेल में देख सकते हैं। यहां केवल आज आपको समझाया जाएगा। देखिए क्या होता है कि जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ती है, किसी भी प्रिज्म पर अगर कोई श्वेत प्रकाश पड़ जाए तो वह 7 रंगों में क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी, 7 रंगों में बढ़ जाएगी। तो भैया इस घटना को हम वर्ण विच्छेपण का नाम देते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेपण कहते हैं। अब आप देख सकते हो कि जब कोई श्वेत प्रकाश किसी भी प्रिज्म पे पड़ी तो पहले वो सभी प्रकाश किरणें 7 रंग में तो बटी, परंतु अपने तरंग दैर्ध्य के अनुसार उतना ज्यादा विचलित होती गई। जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा था वो सबसे कम विचलित हुई, और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम था वो सबसे ज्यादा विचलित हुई। तो गाइज आप यहां पर चित्र के द्वारा देख सकते हैं, ये देखिए जब श्वेत प्रकाश किरणें प्रिज्म के पहले पृष्ठ पर पड़ी तो पड़ने के पश्चात वो 7 रंगों में विभक्त हो गई। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है अन्य रंगों की तुलना में, इसलिए ये इनका विचलन कम हुआ प्यारे बच्चों, और ये अपने मार्ग से बहुत कम विचलित हुई। उसके बाद ऑरेंज रंग का होता है, वो भी कम विचलित हुई। तो इस प्रकार क्रम से विचलित हो जाती है। अब इन 7ों रंगों का जो नाम होता है वो याद करने का ट्रिक होता है प्यारे बच्चों, बिबग्योर। क्या, बिबग्योर, बिबग्योर ना, इसके माध्यम से हम बता सकते हैं। वी से होता है वायलेट, क्या होता है वायलेट, जिसे आप कहते हैं बैगनी। आई से होता है इंडिगो, जिसे आप जामुनी या आसमानी कलर कहते हैं। बी से होता है ब्लू, ब्लू तो जान ही रहे नीला। जी से होता है ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है हरा। वाई से होता है येलो, येलो का मतलब पीला प्यारे बच्चों। ओ का मतलब ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब संतरा या मौसमी या नारंगी जैसा। आर का मतलब तो भाई दुनिया जान रही, आप भी जान रहे हो, रेड होता है। ठीक, तो इन सभी वर्ण क्रमों को याद करने का तरीका यह है, बिबग्योर या
या एक दूसरे हिंदी वर्ड का नाम लेते हैं, बैजनी आह पिनाला। क्या क्या करते हैं प्यारे बच्चों? बैजनी बैजनी आह पिनाला। यहां से एक एक वर्ड से हम आलोक निकाल सकते हैं, जिसमें से ध्यान देना है कि ये वाले वर्ड का अर्थ नहीं लेंगे हम। बै से क्या हो जाता है? बैगनी। बै से क्या हो जाता है? बैगनी। ज से हो जाता है जामुनी या आसमानी। नी से क्या हो जाता है? नीला। ह से क्या हो जाता है? हरा। पी से क्या हो जाता है? पीला। और न से हो जाता है नारंगी। और ला से क्या हो जाता है? लाल। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप इस वर्ड से भी इसको याद कर सकते हैं, सातों क्रम का याद कर सकते हैं। ठीक। अब सबसे ज्यादा विचलन कौन होता है? बैंगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होती है, लाल रंग बहुत कम विचलित होता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य जो है ज्यादा होता है, इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? कम होता है। बच्चों, ये रहा प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आपके इंटर वाले एग्जाम में एक नंबर का पूछ सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है बच्चों। अब कभी कभी इसी में पूछ लेता है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा है कि भैया कोणीय वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। अब हम साथ में अगर इस टॉपिक पे आए ही हैं तो कोणीय वर्ण विक्षेपण की भी चर्चा कर लें। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है? अब ध्यान दीजिए, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ती है, तो प्रिज्म में पड़ने के पश्चात वह सात रंगों में विभक्त हो जाती है। तो किन्हीं दो रंगों के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। मुख्यतः हम लोग यहां पर लेंगे बैगनी और लाल रंग के बीच में बात करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि बाकी रंगों को यहां से हटा दिया जाए तो बैगनी और लाल रंगों के मध्य जो बना कोण होता है वो कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। परंतु हम ये भी कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है, तो आपतित होने के पश्चात वो सात रंगों में बढ़ जाती है। तो भैया सात रंगों में से किन्हीं दो रंग, कोई भी दो रंग हो सकता है, किन्हीं दो रंगों के मध्य जो एंगल बनता है वो एंगल क्या कहलाता है? वो एंगल कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? अगर हम लाल और बैगनी की बात करें, सबसे ऊपर लाल है बैगनी है, तो पूरा यहां से लेके टोटल ये जो एंगल बनेगा ये एंगल कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है, जिसे हम थीटा से व्यक्त करते हैं। क्या तो गाइस देखिए, हमने प्रिज्म में अभी तक सात रंगों को बांट के देखा था। अब उन सात रंगों में से सबसे ऊपर वाला जो रंग है लाल और सबसे नीचे वाला जो रंग है बैगनी, अब उन दोनों रंगों के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बात करें कि यहां पर जो बना कोण है, तो देखिए रेड के साथ इसके साथ वो जो आभासी किरण गया है उनके साथ, और रेड के साथ जो बना कोण है वो कितना है? डेल आर का नाम दे देते हैं। किसका नाम दे देते हैं? डेल आर का नाम देते हैं। और साथ में जो बैगनी के लिए, वो बैगनी के लिए एंगल कोण कितना? डेल्टा बी। अगर हम इनके लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण का फार्मूले की बात करें, तो आइए बात करते हैं। आपने अभी एक फार्मूला जस्ट इसी वाले क्लास में पढ़े थे, विचलन कोण डेल्टा एम बराबर n-1 × a। क्या आप ये वाला फार्मूला पढ़े थे? यन वहां अपवर्तन रहता था, यन वहां अपवर्तन रहता था। तो अब उसी फार्मूले की मदद से हम इसका निकालेंगे। तो अगर हम लाल रंग के लिए विचलन कोण की बात करें, डेल्टा आर के लिए बात करें, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डेल्टा आर के लिए, डेल्टा आर के लिए हो जाएगा, जहां एन है वही एन आर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? 1 × a। ठीक। अगर यही चीज हम डेल्टा वी की बात करें, तो डेल्टा वी बराबर हो जाएगा। अब हमको निकालना है कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण। अभी हमने ये रेड के लिए विचलन कोण निकाला है, ये बैगनी के लिए विचलन कोण निकाला है। अब कोणीय वर्ण विक्षेपण निकालने के लिए प्यारे बच्चों, अब हम इन दोनों किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ये यहां से, और थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई, ये खाई पी नहीं है लग रहा है, ए यो, और फिर इस दोनों किरण को,
तो भाई लाइन तो थोड़ी टेढ़ी हो ही रही ऐसे। अब जो यहां पर जो कोण है वही कोणीय वर्विच्छेपण होगा, ठीक है। इन दोनों रंगों के दोनों रंगे जितना विचलित हुई अगर पीछे जहां बढ़ा रहे हैं तो वही विक्षेपण कहलाता है, उतना एंगल। तो भैया कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण की जब हम बात करें तो फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर, डेल वी माइनस डेल आर, ठीक। अब डेल वी की वैल्यू देखिए, एन वी देखिए, आप गुना करते चलिए, चलिए। अब देखिए जैसे ही आप ए का गुना यहां करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इंटू क्या आ जाएगा, एन वी माइनस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक, माइनस डेल्टा आर। तो ए का गुणा यहां करेंगे तो ए आएगा इंटू एन आर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा। तो ये चीज कैंसिल हो जाएगा, दोनों में ए ए कॉमन हो जाएगा, तो एन वी माइनस एन आर इंटू क्या हो जाएगा, ए। यही है कोणीय वर्ण विक्षेपण का फार्मूला, यही है प्यारे बच्चों कोणीय वर्ण विक्षेपण का फार्मूला, ठीक। ये जो आपका कभी कभी एग्जाम में पूछता है कोणीय वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कोणीय वर्ण विक्षेपण ये होता है। अब हम कोणीय वर्ण विक्षेपण से फार्मूले की सहायता पे, जितना आज आप फार्मूला पढ़ रहे हैं हर एक फार्मूले पर हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल लेके आएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया होगा। कभी कभी एग्जाम में इससे भी आपको रूबरू होना पड़ता है, जिसे आप कहते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता, कभी कभी इनसे भी मुलाकात हो जाती है। तो भैया आज हम इनसे मुलाकात अभी आपसे करा दे रहे हैं, बहुत ही मक्खन वाला टॉपिक है वर्ण विक्षेपण क्षमता। अभी आप समझ के आ रहे हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण, अब हम इनको समझेंगे वर्ण विक्षेपण क्षमता को। भैया इनको हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं, ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा बटे डेल वाई। आप समझ पाए क्या मैं कहना चाह रहा हूं? अभी आपने कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या पढ़ा, निर्गत किरण लाल और बैगनी के मध्य किन्हीं दो किरणों के मध्य बने कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा लाल और बैगनी या बैगनी और लाल रंग के मध्य बना जो कोण था वो कोणीय वर्ण विक्षेपण था, तो भैया उन्हें थीटा से व्यक्त किए। साथ में जो पीला रंग आता है प्यारे बच्चों वो यही कहीं बीच में आता होगा, क्योंकि येलो बाबू पीले बीच वाले थे। अब यानी वो क्या कहना चाह रहा है, वर्ण विक्षेपण क्षमता होता है किसी प्रिज्म द्वारा लाल और बैंगनी रंगों के मध्य, किसी प्रिज्म द्वारा लाल और बैंगनी रंगों के मध्य बने कोणीय वर्ण विक्षेपण को बने कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्यवर्ती रंग के विचलन कोण का अनुपात ही वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। यानी ये रहा, यही चीज लिखा गया, थीटा आपका वर्ण विक्षेपण है और डेल वाई क्या है, विचलन विचलन कोण है, किसके लिए, पीले रंग के लिए। अगर हम इनका फॉर्मूला रखें तो प्यारे बच्चों थीटा का फॉर्मूला आपने वहां देखा, एन बी माइनस कितना है, एन आर और इंटू क्या था, ए था पूरे के बटे डेल वाई। अब डेल वाई जिस प्रकार आपने ये निकाला उस प्रकार से हम इसको भी निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा, एन वाई माइनस वन इंटू ए, ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो लास्ट वाला व्यंजक आएगा वो आ जाएगा एन वी माइनस एन आर पूरे के बटे क्या हो जाएगा, एन वाई माइनस वन, ठीक। ये रहा वर्ण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला, ये रहा प्यारे बच्चों। इस प्रकार
प्रिज्म से रिलेटेड, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म प्रिज्म अपवर्तन का सूत्र, वर्ण कोणी, वर्ण विच्छेपण क्षमता, सारी क्लासे जो है प्यारे बच्चों आपको एकदम मक्खन के जैसा क्लियर कर दिया गया। यदि उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। प्यारे बच्चों आज की क्लास आप देखिए और एंजॉय कीजिए, और अपने दोस्तों के पास, सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन सभी फार्मूलों पर आधारित सवाल लेकर आने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो आप जबरदस्त रूप से तैयार रहिएगा, परंतु इस टॉपिक को पूर्ण रूप से आप तैयार कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।